दुनिया भर में जिनकी नजीर दी जाती है उन राजा राम की नगरी अयोध्या में आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे। यह पहला मौका है जब आजादी के बाद पहली दफा देश के प्रथम नागरिक रामलला के दरबार आ रहे हैं। वो दिल्ली से लखनऊ तक तो चार्टर्ड प्लेन से आएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति चारबाग से अयोध्या तक प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहुंचेंगे। करीब 4 घंटे के प्रोग्राम में राष्ट्रपति रामलला के दर्शन के साथ रामायण कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। उनके आगमन को लेकर पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं, हालांकि उनका कार्यक्रम अब फाइनल हो पाया है। राष्ट्रपति के प्राइवेट सेक्रेटरी पी प्रवीण सिद्धार्थ की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक रामनाथ कोविंद सुबह 9 बजे लखनऊ के चारबाग स्टेशन से अयोध्या के लिए प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना होंगे। वह 11:30 बजे से दोपहर 3:40 तक अयोध्या में रहेंगे। दोपहर 3:50 पर अयोध्या में प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ रवाना होंगे। शाम 6 बजे उनकी ट्रेन चारबाग स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद 6:20 पर राष्ट्रपति लखनऊ से प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति की अयोध्या यात्रा तय होने के बाद प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इससे पूर्व जुलाई महीने में 25 से 27 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गृह जनपद कानपुर के दौरे पर थे। उन्होंने नई दिल्ली से कानपुर का सफर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से तय किया था। तब वे 15 साल बाद अपने गाँव परौख पहुँचे थे। यह उनका दूसरी बार प्रेसिडेंशियल ट्रेन से यूपी का दौरा होगा। आपको बता दें कि आगामी 29 और 30 अगस्त यानी 2 दिन अयोध्या में भव्य रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 5 अवधांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ब्रजांचल और पश्चिमांचल के 16 जिलों में 1 नवंबर तक चलेगा। इसके जरिए भगवान श्री राम के जीवन के प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे आयोजन में 2500 कलाकार शामिल होंगे। कॉन्क्लेव की समाप्ति के दिन ही भव्य दीपोत्सव का शुभारम्भ होगा जो 4 नवम्बर तक चलेगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।